से आगे आने पर आयरन पिलर अशोक स्तंभ है। ऐसा माना जाता है कि जो स्तंभ है वो पहले हिंदू एंड जैन मंदिरों का हिस्सा हुआ करता था, जिसका निर्माण राजा विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय से कराया गया था। एंड उस समय के जो मंदिर थे उन मंदिरों को नष्ट करवा कर ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ कुतुब मीनार का निर्माण करवाया है। इस लौह स्तंभ में 98% आयरन है, फिर भी अभी तक इसमें जंग नहीं लगा है। गाइस, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर और भी मोन्यूमेंट्स हैं, जैसे अलाउद्दीन खिलजी का टॉम एंड अलाई दरवाज़ा और भी बहुत सारे हैं, तो चलिए देखते हैं। के लेफ्ट साइड में ये अलाई दरवाजा है। कितना सुंदर व्यू है यहाँ से, यह कितना सुंदर लग रहा है देखने में। यहाँ से आगे जाने पर ये इमाम जामिन का मकबरा पड़ता है। गाइस, मुझे कुतुब मीनार बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आकर। मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आ रही हूँ, मैं पहले यहाँ आई नहीं थी, बट मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एंड इस कॉम्प्लेक्स में जितने सारे भी मोन्यूमेंट्स हैं वो सभी भले ही टूटे हुए हैं, बट बहुत ही अच्छा है फोटोग्राफी के लिए, बहुत ही अच्छा ये प्लेस है। यहाँ पर बहुत सारे लोग आ रहे हैं और अपना अपना पिक ले रहे हैं, सब इंजॉय भी कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो मैं यही बोलूँगी कि अगर आप लोग भी यहाँ दिल्ली में आते हैं या रहते हैं तो एक बार कुतुब मीनार जरूर आइए और यहाँ घूमिए। और तो मैं अब जा रही हूँ घर, मुझे बहुत भूख लग रहा है, तो पास ही में एक रेस्टोरेंट है तो मैं उस रेस्टोरेंट में जा रही हूँ खाना खाने। गाइस, मुझे यहाँ पर तो अभी दिखाई नहीं दिया है रेस्टोरेंट कोई, सामने ढाबा जैसा दिखाई दे रहा है, तो मैं उसी में अब जा रही हूँ, देखती हूँ मुझे क्या मिलता है खाने के लिए यहाँ पर। तो गाइस, इनके ढाबे का नाम है पंडित ढाबा और कुतुब मीनार जो एग्जिट गेट है उससे सीधा सामने ही ये इनका ढाबा पड़ता है। तो मैंने अभी ऑर्डर किया है मसाला डोसा, तो देखते हैं टेस्ट करके कैसा यहाँ का खाना। मेरा डोसा आ गया, 80 रुपये प्लेट है डोसा का। ये यहाँ की कुक है, इन्होंने ही मेरा डोसा लाया है। आप बता दीजिए रेसिपी के बारे में। मसाला डोसा क्या क्या डाले इसमें? इसमें क्या क्या डाले हैं आप? आलू के मसाले, चटनी, सांबर, चटनी कोकोनट, नारियल की चटनी। नारियल की चटनी, तो ठीक है अभी मैं टेस्ट कर रही हूँ कैसा है इनका। देखने में तो अच्छा ही लग रहा, टेस्ट में देखती हूँ कैसा है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा।
मैंने डोसा चखा है, बहुत ही अच्छा यहाँ का डोसा है, बहुत टेस्टी है। ये मालिक है यहाँ के इस ढाबे के। तो अगर आप लोग भी यहाँ कुतुब मीनार आते हैं तो सामने एग्जिट गेट से सामने ही पड़ेगा इनका ये ढाबा, और यहाँ पे बहुत ही टेस्टी खाना मिलता है। तो मैंने टेस्ट किया, बहुत अच्छा है, तो आप लोग भी जरूर आइएगा इनके ढाबे पे। थैंक यू। डोसा खा लिया, बहुत ही अच्छा डोसा था। तो अब मैं घर जा रही हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलेंगे। बाय गाइस।